अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑथेंटिक कुकिंग। आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट क्रीम। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 टिन फ्रूट कॉकटेल के, जो मिक्स्ड फ्रूट कैन वाले होते हैं वो हमने लिया है। ये देखिए इस तरह का लगता है वो कुछ। और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे एक स्ट्रेनर में। इसके पीसेस कुछ बड़े हैं, वो हम इसे कट करके छोटे पीसेस बना लेंगे इस तरह से। अब हम लेंगे अमूल व्हिपिंग क्रीम, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। हमने आधा टेट्रा पैक अमूल व्हिपिंग क्रीम एक बोल में डाला है और उसे एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से अच्छे से विस्क कर लिया है। इस तरह से हमने इसे 2-3 मिनट तक विस्क करना होगा ताकि क्रीम अच्छे से फ्लफी हो जाए। 3 मिनट के बाद क्रीम कुछ इस तरह की लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। हमने 200 ग्राम यानी कि आधा टिन कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड किया है। और अब दोबारा से हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि कंडेंस्ड मिल्क क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए क्रीम का कलर चेंज हो गया है क्योंकि हमने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया था। इसी तरह से हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि कंडेंस्ड मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए और क्रीम फ्लफी हो जाए। ये देखिए पीक्स इसमें अच्छे से बन रहे हैं। अब हमने स्टॉप कर दिया है विस्क करना। हमने एक सॉस पैन में 1/2 कप ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। तब तक रेडी कर लेते हैं हमारा फ्रूट क्रीम। ये देखिए हमने जो फ्रूट्स कट करके रखा था उसी के अंदर हमने क्रीम ऐड कर दिया है और इसे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है। हमने एक इसे बोल में निकाल लिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के जो हमने बॉईल किए थे, उससे हमने कट करके पीसेस बना लिए हैं इस तरह से। और अब हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। ये बहुत ही अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।